हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी ट्वेंटीज में क्या क्या गलती नहीं करनी है। अगर ये पांच गलती आप करते हो तो भाई आपकी लाइफ आगे बहुत हार्ड हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं पहली गलती से, क्लोजिंग योर माइंड। ये सबसे बड़ी गलती जो आजकल लोग करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की सोच जो 18 साल में होती है, वही सोच उनकी 25 साल में भी होती है, वही सोच 30 में भी होती है, और कभी कभी जिंदगी भर रहती है। उनके फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, जो भी आसपास का जो माहौल होता है, आसपास के जो लोग होते हैं, वो जो कहते हैं, वो जो मानते हैं, ऐसे लोग यही बातें मानते हैं, उनके लिए यही बातें सच होती है। ऐसे लोगों का अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं होता है, अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता है। और जो लोग अपने 20s में ये गलती करती है, उनकी आगे की लाइफ इसलिए हार्ड हो जाती है क्योंकि उनको कभी भी लाइफ में नए आइडियाज के ऊपर काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। दुनिया की बात भी छोड़ दे तब भी वो अपनी खुद की लाइफ के जो मुश्किल सवाल होते हैं उनके आंसर्स नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि उनका कोई नजरिया ही नहीं होता है। अपने 20s के अंदर हर एक इंसान को हर एक चीज सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है तो सुनो ही मत, लेकिन हर एक चीज के ऊपर आपका एक सवाल होना जरूरी है और पूछना चाहिए। उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई कुछ कह रहा है तो आपको हाँ ही बोलना है, ये जरूरी नहीं है। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, लाइफ एडवाइस हो, सक्सेस, करियर, गोल कुछ भी हो, एक सवाल आपका होना चाहिए। किसी ने कहा कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए तो शादी कर ली, किसी ने कहा कि तुमको ये वाली जॉब करनी चाहिए तो वो वाली जॉब कर ली, किसी ने कहा कि यहाँ पर जाना चाहिए तो वहां पर चले गए, किसी ने कहा कि ये पढ़ना चाहिए तो वो पढ़ लिया, ये क्या लाइफ हुई। इन शॉर्ट, अपने 20s के अंदर आप अपना खुद का एक नजरिया जरूर से डेवलप करना, अदरवाइज आपकी लाइफ हार्ड हो सकती है। दूसरी गलती है फेलियर का डर। कुछ भी करने से पहले यार ना ये दिमाग में डाल दो कि मैं बहुत बार फेल होने वाला हूं, ताकि आपका डर खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा टैलेंट होती है लेकिन वो इसलिए कुछ कर नहीं पाते, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, और इस चक्कर में वो शुरुआत ही नहीं करते। खास करके अपनी 20s में ये गलतियां करने से एक सेफ जोन में रहने की आदत पड़ जाती है। उसके बाद आगे लाइफ में कभी भी सेफ जोन को तोड़ने की बात आती है तो और ज्यादा डर लगेगा और इंसान कोशिश ही नहीं करेगा, मतलब एक जोन के बाहर वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। तीसरी गलती है खुद के ऊपर काम ना करना। ये भी काफी हद तक दूसरी वाली गलती से मिलती जुलती गलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी 20s में खुद के ऊपर काम नहीं करते। सारी बातें 20s की इसलिए है क्योंकि ये 20s के अंदर इंसान की पैटर्न बनती है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उसकी पूरी जिंदगी निकलती है। खुद के ऊपर काम करने का मतलब क्या होता है? नई नई चीजों को सीखना, फेल होना, आगे बढ़ना, घिरना, उठना, एक्सपेरिमेंट करना, रिस्क लेना, अपने आप को एक्सप्लोर करना। भाई क्या है कि एक एज के बाद आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। कुछ एज के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, बीवी, बच्चे, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है यार, तो उस वक्त आप ऐसे ब्लाइंड रिस्क नहीं ले सकते हो। फिर आप कहोगे मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 20s के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता है तो खुद के ऊपर काम करने का सही टाइम होता है 20s। इसी पीरियड के अंदर आप अपने आप को बुलेट प्रूफ बना सकते हो कि आप किसी भी सिचुएशन में टिक सकते हो। एटलीस्ट आपको खुद के बारे में सब कुछ पता होता है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे प्लस पॉइंट क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, एवरीथिंग। चौथी बड़ी गलती है अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का बिल्कुल ही ख्याल ना रखना। 20s के अंदर हमारा बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होता है, नया खून होता है, तो हम जो भी गलतियां करते हैं तुरंत उसके रिएक्शन नहीं मिलते, लेकिन वो सारी चीजें भुगतनी पड़ती है बाद में। तो यार 20s के अंदर आप ये नशा, स्मोकिंग, फालतू चीजों को खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीज जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करो। सिक्स पैक बनाने की बात नहीं हो रही, लेकिन अपने आप को एक शेप में रखना, और अपने कुछ खाने के भी एथिक्स होने चाहिए कि मैं ये चीजें नहीं खाता हूँ, मैं इतने बजे के बाद नहीं खाता हूँ, कभी भी रात को 2 बजे उठ के कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, ऐसा मत करो। खास करके लोग अपने 20s में सोने का और उठने का शेड्यूल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे, उस एज में, उस पीरियड में इतने रिएक्शंस नहीं दिखते हैं, लेकिन बाद में सारी गलतियां भुगतनी पड़ेगी, बॉडी की बैंड बज जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो सुबह के 4 बजे सोते हैं, हाँ, दोपहर में 2 बजे उठते हैं, 3 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 5 बजे फिर लंच करेंगे, रात को 1 बजे फिर डिनर करेंगे। अगर आपका ये शेड्यूल है तो भाई चेंज कर दो इसको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर किसी को अपनी लाइफ का रिमोट दे देना। कोई भी आएगा बजा के जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का एक स्टैंड लेने की कोशिश करो, ये आदत डालो कि आपका एक स्टैंड होना चाहिए। अगर ज्यादातर लोग कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे, तो जरूरी नहीं है कि आप उनकी वजह से अपना डिसीजन चेंज कर दो। अगर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये सही है तो आप भी सही कहो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो गलत है, क्योंकि ऐसा इसलिए भाई क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ही होगी, कोई और नहीं आएगा आपको खड्डे में से निकालने के लिए। तो प्लीज आप जो भी करो अपने हिसाब से करो। आप लोगों की राय ले सकते हो लेकिन लोग कहे वही करना ये जरूरी नहीं है। अगर आप गिरोगे, याद रखना आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, उस वक्त दुनिया नहीं आएगी। लोगों से आप ये पूछ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।